सिंगा चले सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए नक्सल हिंसा प्रभावित पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति मुर्मू को अपना दर्द बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कर्तव्य पथ पर ये प्रभावित चलेंगे और बस्तर से दिल्ली ये पहुंचे हैं नक्सल हिंसा से पीड़ित। और बता दें कि 7 जिलों के 55 नक्सल हिंसा प्रभावित लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। बीते दिन तस्वीरें आई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि किन किन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, अपना दर्द बयां किया। तो आपको ये भी बताते चले कि जंतर मंतर और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब JNU भी दल पहुंचा था और 3 दिन से दिल्ली में अलग अलग जगह जाकर ये अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको एक बार फिर से बताते चले। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए ये नक्सल हिंसा प्रभावित लोग पहुंचे हैं। पूरा दल है जो कि बस्तर से दिल्ली आया हुआ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करते हैं। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी इस वक्त वहां पर मौजूद है। नीलेश, देखिए राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए दल पहुंचा हुआ है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कितनी देर लगेगी मुलाकात में और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या कुछ बातें हैं वो भी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन में एंटर हो चुके हैं कई लोग जो आए हुए हैं और एक जो ऐसे ही पीड़ित हैं वो हमारे साथ भी हैं। एक क्या है, जितने लोग भी पहुंचे हैं ऋतु, उनकी सबकी अपनी अलग कहानियां हैं और हर कहानी जिम्मेवारों तक पहुंचाने के लिए ही वो बस्तर से दिल्ली आए हैं। हमारे साथ बोटी जी हैं, क्या नाम, क्या बोटी बताया ना आप अपने नाम? बोटी जी, बोटी जी कहाँ से हैं आप? नारायणपुर। क्या घटना हुई थी जिसको बताने के लिए आप लोग दिल्ली आए हैं बस्तर से? बाजार गए थे सर। बाजार गए थे, क्या हुआ? तो बाजार में घटना हुआ। क्या गोली चल रही थी? गोली चल रहा। किसको मार रहे थे? दूसरा को मार रहा था, वो गोली मेरा को लग गई। दूसरे को मार रहे थे, वो गोली आपको लग गई थी? जी। ये कब की घटना थी? 2019 में। देखिए ऋतु, कहानी है घर जो पहुंचा है इनका कोई दोस्त नहीं था, ना तो ये किसी नक्सल के टारगेट पे से कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी ये नक्सल हिंसा की चपेट में आई। बाजार में सिर्फ कुछ खरीदारी करने पहुंची थी 2019 में, लेकिन गोलियां चली किसी और के ऊपर चली, लेकिन इनको भी लग गई 3 गोली इनके पैर और उसमें पैर लगी। और एक साल की बच्ची के साथ ये आई हुई हैं, अपना दर्द बयां करने, अपनी व्यथा बताने, गृह मंत्री से बता चुकी हैं, राष्ट्रपति से बताएंगी, या राष्ट्रपति से इनका जो दल गया है वो भी बताएगा, ऐसी ही कहानियां। तो ये सारी कहानियां लेकर लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति भवन में, जैसा कि आप मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, राष्ट्रपति भवन में एंटर हो चुका है एक दल और उनका उनकी मुलाकात हो रही है ऐसा बताया जा रहा है राष्ट्रपति से, और वो अपनी व्यथा बताएंगे और साथ ही साथ ये मांग करेंगे कि बस्तर में जो दंश झेल रहे हैं अभी के लोग जो पहले झेल चुके हैं, वैसा दंश इस तरह की जो बच्चियां हैं, जो नई पीढ़ी है, इस बच्ची का नाम करिश्मा है और इन लोग एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि करिश्मा को लेकर इसलिए आए हैं कि एक करिश्मा की उम्मीद में है कि बस्तर में कोई करिश्मा हो और जो दंश 40 साल से झेल रही है वहां की जनता, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका कोई उससे कोई सीधा लेना देना नहीं है, फिर भी दंश झेल रही है, उसको दंश न झेलना पड़े और जो जिम्मेवार हैं वो मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, इसकी ही कोशिश में ये दल बस्तर से दिल्ली पहुंचा है। और सबकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। एक बच्ची है 3 साल की, जब थी तब उसको टिफिन बम उठा ली थी और अपने गाँव में घर से आंगनबाड़ी जा रही थी और इमली का पेड़ था, राधा सलाम नाम है उसका, वो टिफिन रखा हुआ था, टिफिन उठाई और ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट में उसकी एक आंख चली गई, एक आंख की रोशनी कम हो गई है, वो भी पहुंची हुई है। एक व्यक्ति है दयाल जी, जो जिनके बेटे को उनके सामने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उनको भी बंधक बनाया था। ऐसी तमाम कहानियों के साथ लोग पहुंचे हैं और राष्ट्रपति और जिम्मेवारों से मिलकर वो अपना दर्द बयां कर ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारी व्यथा सुनिए और छत्तीसगढ़ के बस्तर से जो नक्सल दंश झेल रहा है उसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, समाप्त कर दीजिए, ताकि वहाँ का की जो पहचान है, सुंदरता, परंपरा, संस्कृति, वहाँ के झरने, वहाँ के जंगल, जिसकी वजह से विश्व में उसकी अलग पहचान है, वहाँ की अद्भुत संस्कृतियां हैं, उसकी कई सारी परंपराएं हैं, उसको लेकर ही बस्तर की पहचान बनी रहे, नक्सल समस्या या वहाँ हो रही घटनाओं की लेकर जो पहचान बन गई है वो दूर हो, जल्द से जल्द दूर हो, इसकी कोशिश में है ऋतु लोग। नीलेश, कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं जहां से ये दल पहुंचा है? दलों की बात की जाए तो क्या अलग अलग दल है? और हाल फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि दल जो है मुलाकात के लिए पहुंचा है, कितने लोग अभी इस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं?
देखिए बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, ये सारे ही जिलों के अलग अलग लोग पहुंचे हैं। वो लोग जो नक्सल हिंसा से जिनका जो प्रभावित हैं और बुरी तरह प्रभावित हैं, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें दोनों चली गई हैं, किसी के एक आंख की रोशनी चली गई है, और ये लोग ना तो कोई सुरक्षा बल से जुड़े लोग थे, ना ही कोई सरकारी महकमे के लोग थे। ये आम ग्रामीण है जो घर से निकले थे अपने काम और किसी अन्य बाजार के लिए, और रास्ते में आईडी पर उनके पैर पड़ गए, या आईडी प्लांट था, टिफिन बम वगैरह प्लांट था, उसको उठा लिया और ब्लास्ट हो गया, और उसमें अपनी जिंदगी लगभग खत्म कर चुके हैं। लगभग जिंदगी उनकी जो है वो खराब हो चुकी है कह सकते हैं। वो किसी काम जैसा जो है, जो अपने जीवन अच्छे से जी सकते थे, वो उस काम के लायक नहीं बचे, वैसे लोग हैं। और इनकी मांग यही है कि जो घटना हमारे साथ हुई है, बिना बेगुनाह होते हुए, हमारी कोई गुनाह नहीं था, हम तो सिर्फ एक ग्रामीण है और अपने काम से निकलते हैं और इस नक्सल हिंसा की चपेट में आ जाते हैं, वो नई पीढ़ी को ना झेलनी पड़े बस्तर में, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। ऐसे 55 लोगों का समूह है 7 जिले के। इन 55 लोगों में 37 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट पीड़ित हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोगों की या तो नक्सलियों ने हत्या कर दी या वो नक्सल हिंसा में प्रभावित हुए हैं, वैसे लोग भी हैं। तो कुल 55 लोगों का दल है, बस्तर शांति समिति के बैनर तले आए हुए हैं। आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री से 19 तारीख को मुलाकात कर चुके हैं। जंतर मंतर पर एक मौन प्रदर्शन 19 तारीख को किया, फिर 20 तारीख को जेएनयू में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज यहाँ के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, वहां पर भी अपनी बात रखेंगे। और इनका एक ही कहना है कि अब तक जो है दिल्ली में वो जो दूसरा पक्ष होता है, कई बार फेक एनकाउंटर के आरोप लगते हैं और वो ऐसे लोगों की आवाज उठती रही है मानवाधिकार के नाम पर बस्तर के लोगों की, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा है। तो हम पहुंचे हैं, अपना दर्द बनाते हैं और हमको भी सुनिए। और एक बैनर तख्ती भी लेकर इन लोग चल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, मेरा क्या कसूर, माओवाद से बस्तर को शांति दिलाइए, बस्तर को शांति और समृद्ध बनाइए। ये तख्तियां लेकर भी इन लोग चल रहे हैं और लोगों से अपनी जिम्मेवारी से अपनी बात रख रहे हैं। रितु अरिले, चूंकि देखिए आप राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने मौजूद हैं, अगर दल का कोई सदस्य आपके साथ आसपास नजर आ रहा हो तो कोशिश कीजिएगा बात करने की। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि राष्ट्रपति ने मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि कितनी देर मुलाकात चल सकती है? देखिए जो शेड्यूल है उसके मुताबिक लगभग आधे घंटे तक राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है, आधे घंटे तक वो बातचीत सुनेंगी और अपनी भी जो आश्वासन है हो सकता है वो भी दें। अब जब दल बाहर निकलेगा और क्या बातचीत हुई है वो बताएगा, उसके हिसाब से ही तय है, लेकिन जो शेड्यूल बताया जा रहा है वो लगभग आधे घंटे का समय राष्ट्रपति का आरक्षित है इस दल से मुलाकात और बातचीत के लिए। ऋतु, और अभी ज्यादातर लोग अंदर चले गए हैं। एक मोती जी थी जिनसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए, जो अपनी कहानी बता रही थी कि नारायणपुर में गांव में कैसे वो हाट बाजार गई हुई थी और सामान खरीद रही थी, गोलियां किसी और पर चल रही थी लेकिन वो उसके चपेट में आ गई और 3 गोलियां उनके शरीर में धस गई। वो अपनी 1 साल की बच्ची करिश्मा को लेकर बस्तर से दिल्ली आई हुई है, 3 दिन से वो बच्ची को लेकर ही घूम रही है अपने साथ और अपनी व्यथा जो है वो लोगों को बता रही है। बाकी दल के सदस्य अंदर जा चुके थे, अब बाहर जब निकलेंगे और उनकी क्या बातचीत हुई तो हम जरूर अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। नीलेश, देखिए बीते दिन हमने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई प्रभावितों की, आज राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या, किसी और से भी मुलाकात इनकी हो सकती है? दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में और कितने दिन तक ये प्रभावित रहने वाले हैं? देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक अब जो बड़ी हस्तियां लगभग उनसे किसी का अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन ये संभवतः 22 तारीख की शाम तक दिल्ली में रहेंगे। इस दरमियान जैसे आज राष्ट्रपति भवन से जब ये निकलेंगे तो कर्तव्य पथ पर वो चलकर अपनी चलेंगे और वहां से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कर्तव्य पथ से कि उनकी बात तो सुनी जाए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे। और उसके बाद कल का जो शेड्यूल है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर जो पब्लिक प्लेस हैं जहां पर बुद्धिजीवी वर्ग रहता है ऐसा कहा जाता है, उन इलाकों में जाएंगे और अपनी बात को अपनी व्यथा को रखेंगे। रितु, तो चलिए अलग अलग नक्सल प्रभावित जिले से ये दल पहुंचा हुआ है, हाल फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इनकी मुलाकात हो रही है, नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे हम अपडेट लेंगे जब वो मुलाकात करके निकलेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रपति से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई। फिलहाल